परला जब तक ईवीएम से चुनाव हुए मोदी जी का हारी है। ईवीएम मतलब ईवीएम की वजह से ये हार जीत जब तक रहेगी तब तक कोई नहीं हटा सकता मोदी जी को, तो कैसे होने चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। तेलंगाना में ईवीएम नहीं दी, कर्नाटक में नहीं दी, हिमाचल में सरकार बनाई वहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ, वहाँ नहीं था। राजस्थान में 5 साल सत्ता में रहे, वहाँ ईवीएम नहीं दी। हर एक चीज़ मोदी जी का सब कुछ देहात से लेकर शहर से लेकर मैं देखता हूँ, पूरा इंडिया में हर एक जगह उनका नाम है और उन्हीं का विकास है, ये जान लीजिए। कोई इसके सिवा कोई नहीं है। भाजपा को मिलेगी मोदी जी को? भाजपा को ही मिलेगी। अच्छा, उनके साथ सन 2014 से हम चाहते थे वो आए, 14 से 24 तक, और 24 से भी 34 भी आएगा, 34 से 44 भी आएगा। मोदी सरकार से मेरे को बहुत फ़ायदा है। कौन सा फ़ायदा मिला है आपको? अभी दवा के लिए गए थे, PGI से आ रहा है। अच्छा, उसके वजह से योगी नाथ की तरफ से मेरे को पैसा मिला। कौन आ रहा है तो समय बताएगा, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। योगी मोदी मेरे अंडर 400 में खरीदते थे, अब कितना महंगा हो गया? हो गया महंगा, योजन महंगा, इसे क्या मतलब है? BJP मतलब महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, और महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, इसलिए BJP मोदी सरकार का आना बहुत जरूरी है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी नेता कार्यकर्ता अलग अलग जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता का मूड क्या है, माहौल क्या है, तो जानने के लिए चारबाग स्टेशन पर मौजूद है। तो जानते हैं क्या जनता चाहती है और इस बार किसे कुर्सी देना चाहती है। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे, नाम बताएं सर। जी, प्रांशु सिंह। सत्ता इस बार किसकी आएगी? सत्ता अब तो जनता डिपेंड करेगी किस पे। हाँ, तो आप किसको देंगे वोट? हम BJP को वोट देंगे। BJP को वोट देंगे। बाकी भी दल चुनावी मैदान में है, बड़े बड़े दावे कर रही है युवाओं के लिए और किसानों के लिए, ठीक है, आप किसे चाहते हैं कि इस बार कौन आए और फिर से विकास कार्य? इस बार फिर से BJP आए। BJP ही आनी चाहिए। सर, आप बताएंगे? मोदी जी। मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही। तैयारी तो सब कर रहे हैं, तैयारी तो सबको करना चाहिए। कांग्रेस कर रही, सपा कर रही, बसपा कर रही, सब कर रहे हैं। चुनाव है तो सब लोग लड़ेंगे। अच्छा, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, ठीक है, युवाओं का कहना है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये रोज़गार आज का इसी समय नहीं है, रोज़गार बहुत दिन से चला आ रहा है मुद्दा ये, और कोई भी सरकारें आ जाएंगी जितनी जल्दी बेरोज़गारी ख़त्म नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आ जाएगी, सबको उठा के जॉब दे देगी। 70 साल रहे, 14 के पहले सत्ता में रहे, तो बेरोजगार युवाओं के लिए क्या उन्होंने किया? बेरोजगारी ये आज 18 साल 22 साल के हुए तो पहले से हुए ना, 36 साल 34 साल सब बेरोजगार हैं, हम भी 34 साल के हैं, तो ये आज के थोड़ी हो गए, हम पहले से हुए हैं ना। अब ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कहते हैं, जब मोदी जी तब कर रहे हैं, तो देखो जनता चुनेगी मोदी। मोदी ने बहुत कुछ किया है, किया है, बाकी अपना अपना जनता का अपना अपना वो है, बाकी किया है मोदी ने, किया है। हम सर आपके पास आते हैं। जी, इस बार पलड़ा किधर भारी होता नजर आ रहा है? BJP को भारी लग रहा है, BJP की ओर। अच्छा, आप किसे वोट करते हैं? हम तो भाजपा करते हैं। भाजपा को ही? अच्छा अच्छा, BJP में किस नेता को आप पसंद करते हैं और क्यों? हमारे वहाँ साक्षी महाराज हैं, उन्नाव में। उन्नाव से हैं आप? जी जी, उन्हीं को देते हैं। उन्नाव से हैं, तो उन्नाव से बात कर लेते हैं। उन्नाव में इस वक्त क्या माहौल है? माहौल दोनों का चल रहा है सही, इस टाइम कांग्रेस का भी है, भाजपा के भी है। अच्छा, इस बार गठबंधन है इंडिया और NDA का। सर, दोनों जो पार्टियां हैं इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है कौन सा गठबंधन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे बस। मतलब NDA गठबंधन? जी जी। ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने काम किया है देश के लिए, सबके लिए काम किया है। जी। और मोदी के जो कार्य हैं, 3 ऐसे कार्य बताएं जो वास्तव में जीतने के लायक हैं। धारा 370 हटाई है, अयोध्या राम मंदिर बना है। अयोध्या राम मंदिर, आज ही मोदी जी ने कहा है कि अयोध्या का राम जो मंदिर है वो ना कभी मुद्दा था चुनावी, ना है और ना ही रहेगा। फिर भी हम लोगों के धर्म की बात थी जो मोदी जी ने हल किया, उसका मामला निपटा, कितने दिनों से बरसों से चला आ रहा था कोर्ट में, मंदिर बना, सभी धर्म को मतलब ना कोई झगड़ा ना झंझट,
निर्विवाद फैसला आया, सब हिंदू मुस्लिम खुश हैं जी। सर आपसे भी शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? कुंवर बहादुर सिंह जी। कुंवर बहादुर सिंह जी, परला किधर भारी है? परला जब तक ईवीएम से चुनाव हुए मोदी जी का भारी है। ईवीएम मतलब ईवीएम की वजह से ये हार जीत? जब तक रहेगी तब तक कोई नहीं हटा सकता मोदी जी को। तो कैसे होने चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। पेपर, अच्छा एक बात बताइए कि ये क्या ऐसा होता है कि ईवीएम की वजह से विपक्ष हार जाता है? अब लोग बताते कहते वही सुना जाता है जो कहते हैं, और काम तो मोदी जी के बहुत अच्छे अच्छे हैं। तेलंगाना में ईवीएम नहीं दी, कर्नाटक में नहीं दी, हिमाचल में सरकार बनाई वहाँ ईवीएम से चुनाव हुआ, वहाँ नहीं था। राजस्थान में 5 साल सत्ता में रहे, वहाँ ईवीएम नहीं दी, वहाँ तो सब बैलेट पेपर से हुआ था ना। ये लोग जहाँ जीतेंगे वहाँ सब सही है, जहाँ हारेंगे वहाँ ईवीएम को दोषी देंगे, मंदिर मस्जिद पे जाएंगे, कहते मंदिर से रोज़गार नहीं मिला। आप अयोध्या जाके अयोध्या वासी से पूछिए, अगल बगल जो हैं वहाँ पूछिए, जो अयोध्या जाके आप पूछिए, वहाँ जो एक माली की दुकान किया है उसका आप पूछिए वो कितना उसकी आमदनी हो रही है। अब पूरे देश में मंदिर अयोध्या में बना है, तो जो अयोध्या में रहेगा, अयोध्या के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ की ज़मीन का देखिए, एयरपोर्ट बन गया, वहाँ गलियों में चले जाइए, पहले तो कीचड़ अयोध्या में था, और अब क्या कहते हैं, आप चले जाइए रात में चले जाइए, आप एक वहाँ गिर जाए। भाई साहब कह रहे हैं कि ईवीएम मुद्दा नहीं है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं? कुछ भी हो मैडम, मोदी ही तो मोदी, और मोदी हाँ, और कुछ नहीं। इसे वोट दे रहे हैं, इतना ही बता दीजिए। हम तो भाजपा को देंगे। भाजपा को? सहमत कहाँ से हैं? हम सिद्धार्थनगर से हैं। सिद्धार्थनगर कैसा माहौल है वहाँ? ठीक है, जगदंका पाल जी वहाँ पे हैं और चुनाव जीतेंगे। अभी एक से पहले कौन वही थे, 15 साल आए, 15 साल से जीतते आए, 15 बीजेपी की तरफ, हाँ, और अब की जो है फिर भी जीतेंगे वही, मतलब कार्य किया है इस वजह से, हाँ, और क्या। और अभी किन किन क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है? अपने जो है 5 विधानसभा पड़ता है, 5 विधानसभा में उन्होंने किया है, और मेहनत भी करते हैं। सांसद जगदंका पाल जी पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता भी हैं और अनुभवदार हैं, मेहनत भी करते हैं अपने क्षेत्र में, और आने वाले कल में वो भी जीतेंगे। 25 मई को चुनाव होगा, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, खुला वोट है उनके लिए। हाँ, वो है, ओके, ठीक है। सर आप क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे अरे बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर गाजीपुर से जिला। गाजीपुर में क्या माहौल है इस वक्त? इसमें तो बढ़िया है सर, बढ़िया है। इसे जिता रहे हैं इस बार बीजेपी को? बीजेपी को ही जिता रहे हैं। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया, जैसा कोई ऐसा नेता नहीं है। 70 साल तक मुमकिन मोदी रहेंगे और कोई। अच्छा, जो लोग विपक्ष की तरफ हैं कि बोलते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया, विपक्ष ने काम किया या विपक्ष फिर से आए, हर एक चीज़ मोदी जी का, सब कुछ देहात से लेकर शहर से लेकर मैं देखता हूँ, पूरा इंडिया में हर एक जगह उनका नाम है और उन्हीं का विकास है, ये जान लीजिए। कोई इसके सिवा कोई नहीं, क्योंकि वही जीतेंगे, उनके जैसा कोई नेता नहीं है कि जो बना सके। हर एक चीज मैं देखता हूँ। मोदी जी को जुमलेबाजी कहते हैं, कहते हैं जुमलेबाजी वो करते हैं, अब उसके सिवा तो जी। नाम बताइए। मेरा नाम सानिया खान है जी। खान जी बताइए, इस बार सत्ता किसे मिलेगी? भाजपा को मिलेगी, मोदी जी को, भाजपा को ही मिलेगी। अच्छा, उनके साथ सन 2014 से हम चाहते थे वो आए, 14 से 24 तक, और 24 से अभी 34 भी आएगा, 34 से 44 भी आएगा। विकास कार्य हुए हैं आपको? कहाँ से हैं? बांदा उत्तर प्रदेश। बांदा से हैं, बांदा में क्या माहौल है, किधर लहर बह रही है? बांदा में सब वही बीजेपी के ही हैं, हाँ, की तरफ है। अच्छा, बीजेपी में किस नेता को आप पसंद कर रही हैं? सबसे ज़्यादा तो हम योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा देखा उनमें? उनमें बहुत सी चीज़ें देखी हैं हमने, जो गुंडागर्दी हो रही थी उनको उन्होंने ख़त्म किया है, गरीबों की मदद की है, और बहुत सी पेंशन थी बेरोजगारों को वो दी है, रोड अभी देखिए कितनी ज़्यादा उन्होंने सब कुछ करवाया है, गरीबों को घर आवास योजना दी है, गैस सिलेंडर जिनके घर में नहीं थे चूल्हे में खाना बनाते थे उनको खाने की योजना दी है, सब कुछ उन्होंने किया। आप लड़की हैं, ठीक है, बात करते हैं सुरक्षा की, तो पहले की अपेक्षा क्या अब लड़कियों को सुरक्षा मिलती है? लड़कियों की सुरक्षा कुछ उनके हाथ में भी होती है, जरूरी नहीं है हर चीज़ सरकारी जिम्मेदार हो, हर सरकार में लड़कियों के साथ गलत काम हुआ ऐसा नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे रहोगी वैसे आपके साथ होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मगर सरकार की बात रही तो हमारी सरकार ने दी है ना, 1090 की सुविधा दी हुई है, कुछ भी हो आप कॉल करिए, एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है, बहुत सी ऐसी सुविधाएँ दी गई हैं। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी तरह की मदद मांगी जाए 1090 पर या जो पिंक बूथ है वहाँ पर मदद नहीं मिलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मदद मिलती है। कितने बार अगर कभी ऐसा कुछ हो गया 100 नंबर डायल किया पुलिस आती है, ऐसा कहीं नहीं, सब अफवाह है, गलत है, अफवाहों के चक्कर में ना आए, और जो इंसान सही है देश के लिए काम कर रहा है उसका सब मिलकर साथ देता है। आपकी बात? मोदी सरकार। आपकी बात? मोदी सरकार। आप बताएं आपकी बात?
मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या क्या बताएंगे मोदी जी के बारे में कुछ? मोदी सरकार से मेरे को बहुत फायदा है। कौन सा फायदा मिला है आपको? अभी दवा के लिए गए थे, PGI से आ रहा है। अच्छा। उसके वजह से योगी नाथ की तरफ से मेरे को पैसा मिला। किस चीज़ का पैसा मिला? दवा के लिए। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। मतलब समझे नहीं, पूरी डिटेल बताएं। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के उधर का हूँ मैं, गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर से हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस वक्त? एकदम भाजपा बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा पूरा। तो वहाँ पर आपको लाभ मिला? हाँ। आयुष्मान कार्ड मिला है आपके? आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है। बनवा लीजिए उसको। नहीं, छह परिवार जिसका रहता है उसका ही बनता, मैं गया था बनाने। हाँ। मेरा चार ही है, दो बच्चे दो हम। अच्छा, तो बन गया हूँ। नहीं, आधार कार्ड उनका नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री से हमको मिल गया। और क्या कहेंगे सीएम योगी के बारे? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग यात्री बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादी कहाँ से आई हैं? उन्नाव से। कहाँ जा रही हैं? उन्नाव में जाएंगे। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार? वोट आपको क्या दे? का है? वोट नहीं, वोट तो देबे करी हो ना, तो चाहे जी का दिया, वोट तो डाले जाते ही हो ना, तो की का दिया, मोदी जी का या राहुल गांधी का? अब हम कहीं का को नहीं, अरे सबका सबका कैसे दे दिया, एक एक दिया हो ना। अरे बता, मोदी जी अच्छा काम करी ने कि नहीं करी ने? कदन नहीं का करी ने, तो मोदी जी का जिताइयो। मोदी जी का जिताइबे करो। अच्छा जिताइ। अरे मैम आप बताएं किसको जिताएंगे? मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? उन्नाव जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, यात्रा में पहले की अपेक्षा इस बार कुछ सुधार हुआ है? मतलब सीटें मिलती हैं या टिकट जल्दी मिल जाता है, टिकट में सुविधा? हाँ, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ऑनलाइन भी हो जाता है? हाँ। पहले धक्का मुक्की खानी पड़ती है। हाँ। तो ये क्यों, किसके द्वारा हुआ है? मोदी द्वारा हुआ, मोदी द्वारा। आप बताएं मैडम, गर्मी में यात्रा कर रही हैं, ठीक है, क्या इस बार जो सियासत है बहुत ज़्यादा गर्माई, मतलब कि यहाँ पर राजनीति में धक्का मुक्की हो रही है, आप किधर हैं? मोदी जी का चेहरा जानती हैं? हाँ जानते हैं। सीएम योगी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। दोनों में से कौन अच्छा है? योगी मोदी दोनों अच्छे। दोनों अच्छे हैं, चलिए ठीक है। चुनावी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस बार सत्ता में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है तो समय बताएगा, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, कारण? कारण के देश के हालात बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति एकदम चौपट हो चुकी है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, छोटे मध्यम श्रेणी के जितने दुकानदार हैं सब मर रहे हैं, तो भाई इससे तो मंदिर मस्जिद से तो देश नहीं चलेगा ना। आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए ना, देश अगर मजबूत करना है तो सरकार बदलना चाहिए। किसकी आनी चाहिए आपके ख्याल से? भाई अब निगेटिव में कौन, कांग्रेस है और कोई है नहीं विकल्प उसका सामने, अगर कोई चुनौती दे सकता तो कांग्रेस ही है, दूसरा कोई है नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है राहुल गांधी आते हैं, इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो जो कार्य नहीं हुए हैं वो हो सकते हैं या जो जनता अपेक्षा कर रही है? जनता तो उम्मीद ही कर सकती है, तो समय बताएगा ना भाई। मोदी जी को भी जो है जनता उम्मीद करके ही लाई थी, लेकिन देश कहाँ से कहाँ पहुँचा ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कह रहे हैं कि देखिए क्या मतलब हालत है कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, मध्यम श्रेणी के हम लोग जो है दुकानदार हैं, दिन भर बैठे बैठे मक्खी मार रहे हैं, तो इससे देश तो नहीं चलेगा ना। हर घर में खुशहाली होनी चाहिए ना, महंगाई जरूरत जोरों पे है, महंगाई हर पीरियड में होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कमर तोड़ महंगाई है ना। 400 का सिलेंडर जो है 1000 रुपया 1200 रुपया तक का खरीदा गया है, अभी इलेक्शन है तो कुछ उन्होंने कम कर दिया, फिर बढ़ाएंगे, पेट्रोल की हालत आप देख ही रही हैं, तो देश तो आर्थिक स्थिति मजबूत होने से चलेगा। राम मंदिर बना, ठीक है, कुछ लोगों का कहना है ये राजनीतिक मुद्दा है, मगर पीएम मोदी कह रहे हैं ये राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं। देखिए ये एक आस्था की बात थी, मंदिर बना, मंदिर से देश से कोई वास्ता नहीं है। मतलब मंदिर या मस्जिद बनवा देंगे तो उससे देश नहीं चलेगा ना, वो तो एक आस्था की चीज़ है। अगर आपका मन साफ है तो कहीं भी है वो मंदिर है, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं साफ है, आप दिल आपका खुशी नहीं है, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपकी खाई से पूरी नहीं हो रही है, बच्चों का एडमिशन करवाना है, बच्चों को किताब दिलाना है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो जरूरी है या मंदिर और मस्जिद जरूरी है? तो इस बार बदलाव आना, तो बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। मैं हूँ, मैं योगी वोट दूंगा, मोदी को वोट दूंगा। मैं कहाँ से आ रहे हैं? मैं अयोध्या से आ रहा हूँ। अयोध्या से? अयोध्या में क्या माहौल है? बढ़िया, अच्छा माहौल है, मेरे भगवान बहुत बढ़िया है। मोदी जी के बारे में कुछ बताइए। मोदी जी को वोट देंगे हम सब। राहुल गांधी को? राहुल गांधी नहीं देंगे। राहुल गांधी रोजगार दे रहे 30 लाख युवाओं को नौकरी? नहीं देंगे हम। ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमको मोदी को वोट देना, हमको हम मोदी या योगी को देंगे, योगी मोदी मेरे। अंडर 400 में खरीदते थे, अब कितना महंगा हो गया? महंगा योजन महंगा इसके मतलब है,
और कुछ दे तो रहिए 2000 में का सिलेंडर हो जाएगा तो कब हो जाएगा? अगर चुनाव जीत गया, कर लिया 2000 में कर दिया तो क्या करेंगे? वो देखेंगे, वो मुद्दा नहीं रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं 2000 रुपये दे रहे हैं किसानों के लिए। बस 2000 में खुश है? हाँ। 2000 का खाद वाद लगता है सिर्फ? नहीं तो हम तो खुश हैं। खुश हैं? खुश हैं। अंधभक्त हम भगवान से खुश हैं। हमारे साथ ये अंधभक्त है कि महंगाई कितनी भी हो मगर जिताएंगे हम मोदी को ही। मोदी को जीतेंगे। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? मोदी जी ठीक है, हर चीज अच्छी है। अरे बहुत लोगों से बात करते हैं, कभी कहते हैं कि महंगाई है, कुछ लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, क्या सत्य क्या है? उसने सारी सरकार बना दी, बढ़िया बात है। क्या किया उन्होंने? किसने? राहुल गांधी ने। सब किसानों का गन्ना का पैसा नहीं आया बिल्कुल। क्या किया था जी उन्होंने? चोर है जी, चोर सरकार है बिल्कुल। हमारे कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं उन्नाव से। उन्नाव से इस बार किसको ला रहे हैं? भाई मोदी है। अच्छा, सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। उसे मोदी आ रहे हैं या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, दो में से कंफर्म करिए कौन किसे जीतना चाहिए। अब अभी तो वो सभी लोग कह रहे हैं मोदी जीतेंगे। आप किसे वोट करेंगे? हम तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। मोदी का काम अच्छा है? हाँ काम अच्छा है। राहुल गांधी का भी काम अच्छा नहीं है क्या? अब अपनी अपनी जगह पर, हमारे हिसाब से मोदी जी का अच्छा है। सर आप बताएं किसे जिता रहे हैं? हम तो मोदी जी को जिता रहे हैं। पलड़ा किधर भारी नजर आ? मोदी जी का जी मत बोल दिया। मोदी सब मोदी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उधर राज्य में है ना, केंद्र में तो मोदी है। हाँ तो वही हो गया, कमल हमारे कमल खिलेगा। हाँ एकदम एकदम। मोदी जी को जानते हो? क्या कहोगे मोदी जी के बारे में? मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। अच्छा कैसे कह दिए, वोट करते हैं? जी मैं आपकी बार में एलिजिबल हूँ। एलिजिबल हो? क्या लगता है माहौल कैसा लग रहा है इसमें? मैं जो है पॉलिटिकल मतलब मामले में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो मैंने फील किया है। मैं तैयारी 2-3 साल से कर रहा हूँ, तो मैं डिफेंस तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा जो है इंडियन नेवी में सिलेक्टेड हूँ और मेरा NDA भी रिटर्न क्वालिफाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो डिफेंस अग्निवीर लगाया गया है, हमारे कई दोस्त जो है अग्निवीर में सिलेक्टेड हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करके आए हैं 4 साल। हाँ 4 साल का मैं भी सिलेक्टेड हूँ। उनसे मैंने जब पूछा कि भाई सिलेक्शन मतलब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जितने भी थे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। बोला कि भाई अगर हमें 4 साल बाद रिटायर करते हैं ना करते हैं, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। 5 साल की सरकार, 4 साल की। हाँ वो अग्निवीर उसमें बोल मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की जो है हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है। ट्रेनिंग में मारने की कोई वो नहीं होती, लेकिन रूम में जो है बंद करके बहुत मारते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं? आपने देखा है? देखा नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम भी जान मारते क्यों हैं, मतलब क्या रीज़न? अच्छा आपने होता? हाँ पूछा है, मतलब जैसे कि डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो उनके पनिशमेंट किया जाता है, लेकिन वो मारते हैं। तो नहीं करेंगे तो लागू कैसे होंगे ना? वो बात सही है, लेकिन जो है उसको पनिशमेंट दिया जाता है ना, कई तरह के पनिशमेंट होते हैं ना। तो आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं नहीं जा रहा। अग्निवीर में नहीं जा? नहीं जा रहा। छोड़ रहे हैं? छोड़ दिया उन्हें। 10 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था, अभी ज्वाइनिंग लेटर है। रोजगार को लेकर क्या सरकार अच्छा कर रही है? नहीं कर रही अच्छा। मेरा सपना था डिफेंस में जाने का, मैं पॉलिटिकल मामले में नहीं रहता, लेकिन मैं हमेशा मतलब मोदी जी के सपोर्ट में था। घर वाले जब पहले वोट देने जाते थे तब मैं बोलता था हाँ भाई। क्या विचार? आप विचार है कि भाई मैं तो वोट नहीं दूंगा, मैं एलिजिबल खुद हूँ, मैंने घर वालों को मना कर दिया है, क्योंकि मैं खुद ही सिलेक्टेड हूँ अग्निवीर में। और मुझे ऐसा लगता है मतलब जो मजदूर है वो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, अग्निवीर के 21,000 दिया जा रहा है, उसमें मजदूर और अग्निवीर मतलब फौज में क्या ही फ़र्क रह जाएगा? और जो एयरफोर्स में जा रहे हैं एयरमैन के लिए, उनको एयरमैन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आदमी इंसान जो है आर्म फोर्सेज में नाम के लिए जाता है, बट वहाँ पर उनको नाम ही नहीं दिया जा रहा है। क्या करेंगे ऐसी भर्ती में? दादा 29 में से 29 सीटें बीजेपी एमपी में, एक छिंदवाड़ा को छोड़कर, हो सकता है मैं कन्फ्यूजन हूँ, बस 28 तो कन्फर्म है कार्य हुए हैं। हाँ 28 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की 100% कम से कम आएंगी, पिछले बार भी 28 थी 2019 में। बहुमत के साथ जीत होगी 100%। मैम आपके पास फिर से आते हैं, बताइए एक महिला है, महिला के तौर पर क्या देखती हैं? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, एमपी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, सारा सभी के लिए किया है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर से किया है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी अदर पार्टियों ने भी पूरी कोशिश की जीतने की, लेकिन जो बीजेपी काम करती है उतना शायद ही कोई पार्टी कर पाएगी। मोहन यादव क्या काम कर रहे हैं? मोहन यादव अभी भी जो शिवराज सिंह ने जो योजनाएं चलाई
लाइन थी वो सारी योजनाएं लागू हैं, महिलाओं के लिए हैं जो सारी योजनाएं लागू हैं, वो महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए। अभी सिलाई के लिए जो योजना चालू हुई है विश्वकर्मा योजना, वो भी सारी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, जो बेरोजगार हैं उन महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। बाकी बीजेपी मतलब महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, और महिलाओं के लिए बहुत काम करती है, इसलिए बीजेपी मोदी सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से कहाँ जा रही हैं? जा रहे खम्बन पीर। अच्छा बताइए इस बार किसे जिता रही हैं आप? किसे जिताएंगे आप? जिताया जाएगा जी मैम, मोदी जी को जिताया जाएगा। हर हर, हाँ हर हर मोदी जी, और क्या। अच्छा क्या लगता है मोदी जी में क्या ऐसा है? अरे क्यों नहीं, बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत कुछ। अदर पार्टियों ने नहीं किया है क्या? नहीं किया है उन्होंने, क्यों नहीं, उन्होंने भी किया है, वही अच्छा काम करता है। क्या लगता है पलड़ा किधर भारी नजर आ रहा है? इस बार तो राहुल गांधी की तरफ, राहुल गांधी हर तरफ तो मोदी मोदी हो रहे हैं, राहुल गांधी की बात। इस बार दूसरा है तो लगता चाहिए ना जी, सत्ता को पलटना भी चाहिए ना एक बार। क्यों जरूरी क्यों है? जरूरी है, जैसे अगर एक आदमी सत्ता में रहेगा तो अपनी ही राजनीति हर जगह चलाएगा, इस वजह से दूसरे को भी एक बार चांस देना चाहिए। तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे 5 राज्यों में भी, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की, क्यों नहीं? तब इतनी वो नहीं थी, अब सब जनता जागरूक हो चुकी है अब। राहुल गांधी जी 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 जी, आपने देखा कि यहाँ 4 बाग स्टेशन पर अलग अलग जनपदों से लोग आए हुए हैं, लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। फिलहाल 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, अब देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी कुर्सी आएगी और किसकी होगी हार। टास पहनने के लिए कौन है तैयार? कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुमिता एनटीवी निष्पक्ष लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।